कक्षा 12वीं विषय गणित इकाई 6 अवकलन प्रश्नावली नौ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू साइन एक्स अंतराल माइनस पाई टू पाई। अब यहाँ पर जो कंडीशन दी है एफ ऑफ एक्स बराबरी से एक्स माइनस टू साइन एक्स ये दिया है। अब यहाँ पर चूंकि एक्स तथा साइन एक्स दोनों सतत होते हैं, दोनों की कंडीशन हम जानते कि दोनों कैसे हैं, सतत होते हैं, इसका सीधा सा मतलब अतः दिया गया फलन एफ ऑफ एक्स अतः दिया गया फलन कौन सा एफ ऑफ एक्स भी क्या ऋण पाए प्लस पाई प्लस को लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इस पर क्या होगा सतत होगा। अगर एफ डेस एक्स बराबरी से 1 माइनस टू कॉस एक्स क्या जिसका अस्तित्व एक्स की सभी मानों के लिए है, जिसका अस्तित्व x के सभी मानों के लिए, इसलिए f ऑफ x काहे में अंतराल, जो अंतराल दिया वो क्या ऋण पाए से प्लस पाए, इसमें क्या है अवकलनीय है। इस प्रकार लैग्रैन्ज प्रमेय की दोनों शर्तें संतुष्ट होती है। इसको लिखेंगे हम इस प्रकार, कौन से प्रमेय लैग्रैन्ज प्रमेय की जो दो शर्त है दोनों शर्तें संतुष्ट होती है क्या इसमें कम से कम एक बिंदु कौन सा सी जो कि शामिल हो काय में माइनस पाई से प्लस पाई के बीच, इस प्रकार होना चाहिए कि कैसा एफ डेस सी बराबरी से एफ पाई माइनस एफ माइनस पाई बटे पाई माइनस माइनस पाई एफ डेस माइनस सी की वैल्यू निकाले 1 माइनस टू का सी और एफ पाई को इसमें निकाले हम तो एफ पाई इक्वल टू क्या होगा पाई माइनस टू साइन पाई। अब हम जानते हैं साइन पाई की वैल्यू हो जाएगी 0 तो इक्वल टू हो जाएगा कितना पाई। जब हम एफ माइनस पाई की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस पाई, हो जाएगा माइनस साइन माइनस पाई। हम जानते हैं कि ये प्लस साइन पाई हो जाएगा लेकिन इसकी वैल्यू 0 इसलिए ओवरऑल वैल्यू माइनस पाई। अब हमारे पास इसलिए एफ डेस सी बराबरी से जो था क्या था हमारे पास एफ पाई माइनस पाई बटे पाई माइनस पाई तो एफ डेस माइनस सी और एफ डेस सी इन दोनों वैल्यू को यदि हम इक्वल रखें तो हम क्या पाएंगे 1 माइनस टू का सी इक्वल टू पाई माइनस माइनस पाई बटे पाई माइनस माइनस पाई। हम में से सब जानते कि दोनों तो इक्वल है, ये कट के क्या जाएगी 1 मतलब क्या 1 माइनस टू का सी इक्वल टू 1 इसका मतलब का सी इक्वल टू 0 तो ये तो हमारे पास सी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस
पाई बाय टू, और हम जानते ये जो प्लस माइनस पाई बाय टू है, ये प्लस माइनस पाई बाय टू है, ये किस में शामिल है, किस में, ऋण पाई से प्लस पाई के बीच में, अर्थात सी शामिल, अर्थात सी शामिल किस में, माइनस पाई प्लस पाई, माइनस पाई प्लस पाई, कैसा, इस प्रकार की कौन सी कंडीशन, एफ डैश सी बराबरी से एफ पाई माइनस एफ माइनस माइनस पाई बाय पाई माइनस पाई, अतः लैग्रांज प्रमेय, अतः कौन सी, अतः जो हमारे पास लैग्रांज प्रमेय दिए गए फलन पर, दिए गए फलन पर कैसी प्रमाणित हुई। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतने ही, शेष कल, धन्यवाद।